वेलकम टू दिल्ली ग्लैमर और आज हम मौजूद हैं दिल्ली की फेमस खान मार्केट में, जो अपनी शॉपिंग के लिए, कल्चर के लिए बहुत फेमस है। और आज हम यहाँ हैं एक बहुत ही लेविश और स्टाइलिश ग्लोबल गैजेट नाम के शोरूम में, जिसने अपनी जर्नी के 24 इयर्स कंप्लीट करे हैं। एंड टुडे वी आर इन द कन्वर्सेशन विद हिज ओनर मिस्टर गुरविंदर सिंह। मिस्टर गुरविंदर, आपके इस ग्लोबल गैजेट ने 24 इयर्स की एक अनबीटेबल जर्नी कंप्लीट की है। कैसा रहा आपका ये 24 साल का सफ़र और क्या क्या आपने इनपुट्स डाले यहाँ तक पहुँचने के लिए? थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी फाइनली। देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एज वेल, बट अल्टीमेटली आई वुड से दैट वी एंजॉयड इट। एंड मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन और फोटोकॉपियर, तीन प्रोडक्ट से शुरू किया था। सो टुडे वी हैव 300 प्रोडक्ट्स एंड मोर देन 60 ब्रांड्स ऑथराइजेशंस। सो दिखने में तो सारे शोरूम एक जैसे हैं, बट आई कैन ईजिली से दैट नॉट अ सिंगल शोरूम इन दिल्ली कैन क्लेम दिस काइंड ऑफ यू नो द जर्नी एंड द काइंड ऑफ ब्रांड्स वी हैव। इतनी ऑथराइजेशंस नहीं है किसी के पास, लोग ग्रे मार्केट और वो सब मिक्स करके चलते हैं। हमारा टोटल ऑथराइजेशंस है, आईटी का भी है, सर्वेलेंस का भी है, स्टोरेज है, सर्वर्स का भी है, अपना सर्विस सेंटर भी है एंड वी हैव अ हाईली ट्रेंड स्टाफ एज वेल। सो देर आर मैनी USPs, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू अस। सो जैसा कि मैंने पहले कहा, इट वॉज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बट फाइनली इट वॉज फाइन एंड इट इज़ इंजॉयबल एंड वी आर इंजॉइंग इट। सर, एज वी आर टॉकिंग अबाउट, यू हैव कम्प्लीटेड 24 ईयर्स। बैक देन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, किसी ने नहीं सोचा था कि आगे हम लोग टेक्नोलॉजिकली इतना इम्प्रोवाइज करेंगे। 24 साल पहले क्या थॉट थी जिसने आपको स्ट्राइक किया कि आप इस बिजनेस में आए? 24 साल पहले और उससे भी पहले एक ही थॉट थी कि बस यू नो आई एम अ वेरी नेशन माइंडेड पर्सन, तो मेरे को शौक था कि हमारी कंट्री का नाम बहुत ऊँचा हो और उसमें हम कोई किसी तरीके से पार्टिसिपेट कर पाएँ। सो आई वॉज लिविंग इन लंडन, सो मेरा एज एन यंग एस्पिरेंट इंडियन मैंने सोचा कि मैं बाहर जैसे लंडन में सेटल हो जाऊँगा, बट देन आई रियलाइज दैट दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, सो आई केम बैक। वहाँ मैंने देखा तब नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे और वो कंट्री हमारे से काफ़ी, इंग्लैंड जो है एडवांस है। USA जाने का भी मौका मिला और भी हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर, दुबई, हर तरफ। सो जब मैं इंडिया में देखता था तो कई चीज़ें यहाँ पर नहीं थी और इंडियन कंज्यूमर चाहता था कि कई हांगकांग, दुबई, सिंगापुर, लंदन की चीज़ें मैं यूज़ कर सकूं। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। तो हमने सोचा कि ये गैप को फिल करने की हम कोशिश करें, तो हमने कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी शुरू करी। उस ज़माने में वी स्टार्टेड विद आईपॉड, फिर सोनी वायो लैपटॉप आए थे, वो किए हमने, फिर प्रोजेक्टर्स किए, वीडियो गेम्स करी, जो भी इंडियन हाई एंड कंज्यूमर चाहता है कि उनके जैसे कज़न्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह लंदन में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कनाडा में, USA में, दे ट्रेवल अ लॉट, सो वट एवर दे सी देयर एंड दे वॉन्ट इट हेयर, सो लाना तो कम्बरसम है, कस्टम्स ये वो सारा। सो हम सारा ड्यूटी पेड प्रॉपर इम्पोर्ट करके, सो वी प्रोवाइडेड दीज ब्रांड एंड दीज प्रोडक्ट्स टू इंडियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। सो काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग जर्नी रही है आपके। हम देख सकते हैं कि गुरविंदर जी के पीछे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ फुटफॉल हैं। इफ़ यू कैन सी, रतन टाटा हैं फ्रेम में, और जैसे हमने इनसे बात करी तो हमें पता चला नॉट इवन आर इंडियन सेलिब्रिटीज़ बट ऑल्सो पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स लाइक वसीम अकरम एंड अदर फेमस सेलिब्रिटीज़, दे हैव ऑल्सो कम अप हियर। तो इट्स अ वेरी वी कैन से वेरी ग्लैमरस शोरूम एंड वेरी ग्लैमरस बिजनेस ही हैज़। तो मतलब कैसा लगता है आपको कि यू आर सच अ बिग ब्रांड नाउ? या बड़ी खुशी होती है, अभी हम गुरुद्वारे होके आए हैं सो शुक्र करके आए हैं कि वी स्टार्टेड विद अ वेरी वेरी हम्बल, यू नो इट वॉज अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल ऑफिस इन ईस्ट पटेल नगर, देन ग्रेजुअली वी केम टू राजेंद्र नगर, आई स्टिल हैव ए ऑफिस देयर, और अब ये सारे ब्रांड ऐड हो रहे हैं और अभी आने वाले 4 महीने में हम तकरीबन 6 नए ब्रांड और ऐड कर देंगे। उसकी पहले ही तैयारी चल रही है। वी आर इन टच विद, इन कम्युनिकेशन विद फ्यू कंपनीज इन स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस, ये 4 जगह। एक नॉर्वे में भी मेरी चल रही है किसी कंपनी से बात। तो 6 या 7 ब्रांड हम अगले 4 से 5 महीने में और ले आएंगे। सो वी कीप ऑन एडिंग ब्रांड्स अकॉर्डिंग टू इंडियन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स डिमांड्स।
तो हमें ख्याल रहता है कस्टमर्स बिकम दे हैव बिकम प्रिवी विद अस, दे टेल अस गुरविंदर हम गए थे हमने ये देखा, व्हाई डोंट यू ब्रिंग दिस, व्हाई डोंट यू ब्रिंग दैट, सो दैट्स द यू नो आई वुड से परमात्मा की मैं कहूँगा कि बख्शिश है कि लोग हमें खुद ही बताते हैं कि ये चीज़ यहाँ इंडिया में नहीं है, और मैंने एग्जीबिशन में देखी या मैं अभी ट्रैवल कर रहा था मैंने देखी, मैं खुद काफ़ी एग्जीबिशन अटेंड करता हूँ, मैगजीन्स पढ़ता हूँ, आई स्टडी अ लॉट, सर्फिंग में भी काफ़ी टाइम जाता है, आई हैव 3 people हु असिस्ट मी एवरी डे टू ब्रिंग आउट कम आउट विद न्यू प्रोडक्ट्स, फिर उसका हम अपना एक एनालिसिस करते हैं, उन कंपनियों से कम्युनिकेट करते हैं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बट येस वी कीप ऑन ब्रिंगिंग न्यूअर थिंग्स। अभी मैं ये नेस्प्रेसो लेके आया था 10 साल पहले स्विट्ज़रलैंड से, तो किसी ने इंडिया में नाम भी नहीं सुना था, दिस इज़ नंबर 1 brand कॉफ़ी मेकर मशीन्स का। इसके अलावा मैं डायसन लाया था 10 साल पहले, ये ब्लेडलेस फैंस, वैक्यूम क्लीनर्स एंड ऑल, तो किसी ने नाम नहीं सुना था इस ब्रांड का। पैरट लाया मैं फ्रांस से, मार्शल लाया USA से, कई ब्रांड्स इंडिया में हमने इंट्रोड्यूस कराए। अभी भी जैसा कि मैंने कहा 6 brands हम तकरीबन और अगले 4-5 महीने में ले आएंगे। सो यही हमारा बिजनेस मॉडल है, नई नई चीज़ें हम लाते हैं एंड देन वी मार्केट, सोशल मीडिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हमारा, सो देन वी मार्केट इट थ्रू ऑनलाइन एंड आवर रिटेल स्टोर इन खान मार्केट्स। मतलब एक इनके इंटरव्यू से जो एक जिस्ट निकलता है वो बेसिकली ये है कि इन्होंने हमेशा कस्टमर फीडबैक को और इनोवेशन को प्रेफरेंस दी है, उसके साथ ही आगे बढ़े हैं और अपने शोरूम को एक ब्रांड बनाया है। थैंक यू सो मच मिस्टर गुरविंदर फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू योर टीम।